नमस्कार, मैं रेणुका, स्वागत है आपका KP24 न्यूज में। इस वक्त मौजूद है हम बुलंदशहर के खुर्जा नगर में, और आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े टूर्नामेंट जैसा कि कबड्डी हो, कुश्ती हो या कोई भी ओलंपिक वगैरह के खेल भी होते हैं, तो वहीं खुर्जा नगर में एक कबूतरों का उड़ान रखा गया था 2021 जून में, तो आज उसका पुरस्कार वितरण समारोह है। आरिश आरिश आजा आरिश, और तभी खड़ा कर दीजिए, करवा लिया रख सकते जरा। हाजी राशिद का स्वागत करे, साइकिल लेना मिली का था। जो के साजिद भाई ने जीता था, साजिद और तोतला। चलो हाजी फजल साहब आ जाए, अपने वाले साहब को दिलवाना चाहते हैं इनाम। स्वागत है जी, नमस्कार जी। तो आपको फर्स्ट प्राइज मिला, कितने कबूतरों की उड़ान हुई थी? 16 कबूतर उड़े थे, 184 घंटे कुछ मिनट बनाई थी। कहाँ कहाँ का उड़ान था ये? खुर्जा, खुर्जा खाली, सिर्फ खुर्जा। तो ये बुलंदशहर के खुर्जा नगर का सिर्फ उड़ान था जी, जी। कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया? इसमें 15 लोग थे जिनका टूर्नामेंट हुआ था, उसमें फर्स्ट प्राइज मेरा था, जिसमें कबूतर 16 उड़े थे, 184 घंटे कुछ मिनट बनाई थी। आपको क्या क्या इनाम में मिला? इसमें फर्स्ट प्राइज है बाइक, और सेकंड प्राइज है फ्रिज, तीसरा इनाम है वॉशिंग मशीन। तो ये फर्स्ट प्राइज विजेता हैं जिनको कि अपाची गाड़ी इनाम में मिली है, वहीं जिन्होंने टूर्नामेंट कराया था वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। आसिफ जमाली जी हैं, इन्होंने ये टूर्नामेंट किया था, कितने दिन से आप ये टूर्नामेंट कराते हैं? ये अभी इसी साल हमने टूर्नामेंट कराया है, क्योंकि हमने देखा काफ़ी रुचि है इन लोगों में, काफ़ी जमात है इसकी, बहुत बड़ी जमात है कबूतरबाजी की। तो मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ, तो मैंने सोचा एक टूर्नामेंट इसका भी करा जाए। तो ये हमने खुर्जा टूर्नामेंट कराया था, जिसमें हमने फर्स्ट इनाम बाइक रखी थी अपाची, जो 1,40,000 रुपये की, वो हमने दी है, और सेकेंड इनाम फ्रिज दिया है, थर्ड इनाम हमने साइकिल दी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से था इसलिए हमने साइकिल दी है, तीसरा इनाम। और हमने तीन टूर्नामेंट कराए थे, दूसरे टूर्नामेंट में हमारे जो है नुया खलीफा जी रहे हैं, जिनको वॉशिंग मशीन मिली है, और एक इनाम में जो था तो पुनः फिर कल्लू उस्ताद, जो खुर्जा के वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और जाने माने साने, फिर से वो फ्रिज जीते हैं। और ये काफ़ी अच्छा शौक है, काफ़ी उत्साह दिख रहा है लोगों में, काफ़ी लोग आए हैं, और अच्छा रहा ये टूर्नामेंट कराना, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, और आगे से कराता रहूँगा, अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट कराऊँगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का टूर्नामेंट था, तो ये समाजवादी पार्टी का टूर्नामेंट था कि आपने किया? ये समाजवादी पार्टी के नाम से टूर्नामेंट कराया था, गाजी कप। अभी समाजवादी पार्टी तो समाज के लिए ही है, और समाजवादी पार्टी सब लोगों से जुड़ी हुई है, सबकी विचारधाराओं से जुड़ी हुई है, और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शौक करा के किसी भी फील्ड में हो, क्रिकेट हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो, कबूतरबाजी हो, सभी काम टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम पार्टी से जोड़ेंगे, हमें वोट देंगे। तो ये गाजी जो है, क्या कोई सरनेम है गाजी का, क्या है? मैं हमारे दर्शकों को गाजी कब जो है, ये एक ब्रादर है, जैसे कुरेशी साहिबान होते हैं, सैफी साहिबान होते हैं, चौधरी रांगड़ होते हैं, इसी टाइप के गाजी, और जिन्हें गद्दी भी बोल देते हैं, उस समाज की तरफ से हमारे समाज ने सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मतलब तमाम लोगों ने सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सभी जातियों ने हिस्सा लिया, और एक गाजी कप नाम रखा गया, और गाजी कप के नाम से ही टूर्नामेंट कराया। अच्छा, इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि कौन कौन थे? इस जो आज हमने टूर्नामेंट कराया, इस टूर्नामेंट के जो मुख्य अतिथि थे हमारे अनवर हुसैन साहब, जो मीट एग्री के चेयरमैन हैं, और शहर के, मुझे इलेक्शन कराना है, इलेक्शन जीतने के बाद, चलो अगली बार टूर्नामेंट भी होगा, इलेक्शन भी होगा, और आप सब लोगों का आए यहाँ पर। ये दूसरा इनाम उनके लिए का है, ये गाजी का जोड़ा था भैया, जोर से ताली बजा दीजिए उनके भाई के लिए। बने रहिए मेरे साथ KP24 न्यूज के साथ, मेरे नुकाम मुंबई, नमस्कार।